नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। एक धरना जो लगातार 34 दिनों से चल रहा है, पिछले 11 अगस्त को काउंसिलिंग का जो डेट था वो भी समाप्त हो गया है। धरना का स्वरूप वही है, बिहार की सरकारें बदल गई लेकिन धरना अभी लगातार जारी है। हमारे साथ BTSC कनीय अभियंता संघ के कुछ छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो रिजल्ट के इंतजार में लगातार 34 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ है और अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आया है। आज हम लोगों का 34वां दिन है धरना का, और धरना जब से देना स्टार्ट किए हैं तभी से कुछ काम आयोग में स्टार्ट हुआ। उसके बाद काउंसलिंग का लिस्ट निकला फिर से, जो कोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से अब काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी है। और हम लोग अब आशा करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम लोगों का जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट विभाग दे दें, बस इतना ही। आप लोगों का कहना था कि 11 अगस्त जैसे ही काउंसलिंग समाप्त होगा उसके बाद आप लोगों के धरना का स्वरूप बदलेगा, क्या क्या हुआ उसका? देखिए, दो दिन का समय हम और देते हैं विभाग आयोग को, इसलिए कि दो दिन जब काउंसलिंग हमारे 11 को समाप्त हुआ तो दो दिन उनका काम होता है कि रेज ऑब्जेक्शन का, तो रेज ऑब्जेक्शन दो दिन के अंदर वो लिंक जारी करके करवा ले, क्योंकि हम लोग 34 दिन से धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई मनसा नहीं है, हम लोगों का मांग है और मांग को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि आपका जो काम है अगर हम लोग यहाँ धरना स्थल पर नहीं बैठे तो वो काम वो स्लो कर देंगे। वही काम को अति शीघ्र करवाने के लिए हम 34 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो हम आयोग से यही कामना करते हैं कि आप उस काम को जल्द से जल्द करें और मेरा संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर अनुशंसा भेजे, नहीं तो हम लोग आगे 7 दिन के बाद हम लोग आयोग के पास जा कर के या यहाँ भी भूख हड़ताल करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि 34 दिन से जो धरना चल रहा है और आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या है, तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि अगला कदम हम लोग का 16 तारीख को BTSC पे प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, ये हम लोग का अगला कदम है। और फिर भी नहीं सुनेगी तो अगला फिर और वो भी डेट हम आपको बता देंगे, उसके बाद भूख हड़ताल पे जाएंगे हम लोग। तो BTSC का घेराव, कितने पदों पर वैकेंसी जो है निकली हुई थी, कितने पदों पर वैकेंसी थी? लगभग 6400 पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी। 2019 की वैकेंसी है, 2019 के अप्रैल में फॉर्म भरवाया गया था, 2021 के जनवरी में काउंसलिंग पूर्ण किया गया था, फिर 2022 में अप्रैल में रिजल्ट प्रकाशित किया गया और 3 दिन बाद ये कहते हुए हटा दिया गया अगर संशोधन की आवश्यकता होगी तो संशोधन करते हुए रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन आज 4 मंथ होने जा रहा है, आज तक आयोग ने संशोधित करके हमारा रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है, जिसे अभी तो आयोग ने जब से हम लोग धरना दे रहे हैं उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट की है तो हम लोग को थोड़ा खुशी हुई, लेकिन हम लोग का काउंसलिंग मकसद नहीं था यहाँ पे बैठने, हमारा है कि रिजल्ट प्रकाशित हो और जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसे पुनः प्रकाशित करते हुए विभाग को अनुशंसा भेजते हुए हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो आप सुन रहे थे कनीय अभियंता की 6400 की वैकेंसियां बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई थी और लगातार 34 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि एक सप्ताह के अंदर आयोग या सरकार इस पर गंभीरता से विचार विमर्श नहीं करती है तो आंदोलन का स्वरूप बदलेगा और ये भूख हड़ताल में तब्दील होगा। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।